क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पेंतेकोस का त्यौहार पूरी कलीसिया के लिए, हमारे क्रिस्ती जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि पेंतेकोस के दिन हम याद करते हैं कैसे पवित्र आत्मा प्रभु के प्रेरितों पर उतर आया और कैसे कलीसिया उत्पन्न हुई। प्रेरितों पर उतर आया आग के जीवों के रूप में और एक बड़े तूफान की आवाज़ के साथ। इसका मतलब है कि कलीसिया ने हमेशा पवित्र आत्मा के आग से जलते रहना है। ये आग है ईश्वर के प्यार की आग जो प्रभु यीशु मसीह ने जलाई है हमारे दिलों में। यह है पवित्र आत्मा जो हमको प्रेरित करता है ताकि हम उत्सुकता के साथ, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ हम ईश्वर के राज्य की घोषणा करें, सुसमाचार की घोषणा करें। यही हम देखते हैं शुरुआत से। कलीसिया उत्पन्न हुई पवित्र आत्मा के वरदानों से और कैसे ये आपस में एकजुट कर रहने लगे। सब कुछ जो अपना था वो बांटते हुए आपस में। कोई नहीं सोचता था कि जो मेरा अपना है वो मेरा है। यह है पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर जो हमको मिलती है जब हम प्यार में रहना शुरू करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये कितना उत्सुक थे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई फैलाने के लिए, सबको ये खुशखबरी देने के लिए कि हमको प्रभु यीशु में तारण और मुक्ति मिली है और कैसे ईश्वर का राज्य आया है। तो इसीलिए पेंतेकोस का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे लिए और हमको बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का वरदान हमको मिलता है। पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर हमको मिलती है, उसकी पुष्टि होती है इस्तिक्लाल के संस्कार में या दृढ़ीकरण के संस्कार में। लेकिन हर एक संस्कार में हमको प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा का वरदान हमको मिलता है। पवित्र आत्मा हमको प्रेरित करता है कैसे हमने उस संस्कार की जो कृपा है या मिशन कार्य है उसको हमने निभाना है पूर्ण तौर पे। तो यह है जो हमारे क्रिस्ती जीवन में जो रहस्य है, पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा जो हमारे दिलों में और हमारे जीवन में करते रहता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जीवन ज्योति आश्रम हर साल ये नोवीना का आयोजन करता है हमारे लिए, ताकि हम ये पेंतेकोस का जो नोवीना है, ये 9 दिवसीय ये जो तैयारी है वो हम ठीक से करें, ताकि बड़ी भक्ति के साथ, उत्सुकता के साथ हम ये पेंतेकोस का त्यौहार हम मना सकें। तो इसलिए मैं जीवन ज्योति आश्रम को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रार्थना करें कि हम हमेशा ये पवित्र आत्मा के वरदानों से हम भरे रहें, जो है प्रज्ञा, विवेक, ज्ञान, परामर्श, दृढ़ता, धर्मनिष्ठा और ईश्वर का भय। दृढ़ीकरण संस्कार के दिन हमको ये वरदानों की याद दिलाई जाती है जो बपतिस्मा के दिन हमको मिले हैं और जिसकी पुष्टि हुई है दृढ़ीकरण संस्कार के दिन। लेकिन हर संस्कार में और हर वक्त हमने प्रार्थना करनी है कि इन वरदानों में हम भरते जाएं, भरे रहें और इसकी कोई सीमा ना हो। और संत पौलुस ने हमको अपनी गलातियों के नाम अपने पत्र में हमको ये भी कहा है कि पवित्र आत्मा के फल हैं प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। हम प्रार्थना करें कि इन पवित्र आत्मा के फलों में भी हम दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ते जाएं।
सबको ईश्वर का आशीर्वाद मिले प्रचुर मात्रा में। माँ मरियम जो पिंतेकोस के दिन ये प्रार्थना भी कलीसिया के साथ वहाँ थी, हमेशा हमारे साथ भी हो, हमारे लिए सिफारिश करें। और संत यूसुफ उनका वर, क्योंकि ये साल खास तौर पे संत यूसुफ के लिए समर्पित है। बहुत ही धन्यवाद सबको, और सबको प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा के वरदानों की मोहर मिले। सबको जयसु। आइए हम इस समय मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। संत पौलुस अफेसियों के लिखे पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 में कहते हैं, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मिलकर भजन स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं और पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। जी हाँ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हम इस दिन को पेंतेकोस के दिन के रूप में मना रहे हैं और हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। इसके लिए हमें प्रभु की स्तुति करना है। क्या होता है जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं? पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील हो जाते हैं। पवित्र आत्मा के वरदानों से हम भरने लगते हैं। हमारे अंदर के बंधन जो हैं वो टूटने लगते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में ज्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए आप देखेंगे जब संत पौलुस और सीलास जेल में बंद पड़े स्तुति कर रहे थे, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला हुआ था, और जब वो स्तुति कर रहे थे तब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं, वहां भूकंप हुआ और वे स्वतंत्र हो गए ठीक इसी प्रकार जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम भी स्वतंत्र होते जाते हैं और पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं। तो आइए इस समय मिलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे कृपया, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। मेरी आत्मा, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, प्रभु को धन्य कहो। मेरे अंतरतम, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की, उसके पवित्र नाम की स्तुति करो, स्तुति करो। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जीवित रहूंगा, तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा, प्रभु के भजन। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे अब्बा पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे पवित्र आत्मा, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने दोनों हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। अपने दोनों हाथों को उठा के आंखें बंद करके ऊंची आवाज में जोरदार प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 महिमा करने में।
गाइए तारीफ करने से महिमा करने में ओ हो तारीफ करने से महिमा करने में से हम बातें करते हैं सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं रूह में भरने से खुदा से बातें करने में रूह में भरने से खुदा से बातें करने में ओ रूह में भरने से खुदा से बातें करने में बजाओ आज महिमा उसकी गाओ आज जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ आज ताली मिल के बजाओ आज महिमा उसकी गाओ जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ फिर साज बजाने से और मिलकर गाने में गाने में गाइए साज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद मिलता है 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 तारीफ करने से महिमा करने में Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आंखें बंद रखें, अपने हृदय को खोलिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कीजिए। पवित्र आत्मा को इस समय आपके दिल में आमंत्रित कीजिए। सागर पर मंडराने वाला आत्मा, सृष्टि करने वाला आत्मा, नया बनाने वाला आत्मा, दुर्बलों को शक्तिशाली बनाने वाला आत्मा, पवित्र करने वाला आत्मा, आइए पवित्र आत्मा आइए, मेरे इन सभी भाई बहनों के ऊपर छा जाइए। जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा उतर आइए, उतर आइए पवित्र आत्मा उतर आइए, अभिषेक देने आइए, अपने वरदान और फलों के साथ उतर आइए पवित्र आत्मा, दुर्बलों को बल देने आइए पवित्र आत्मा, बीमारों को चंगा करने आइए पवित्र आत्मा, बंधनों में पड़े लोगों के बंधन को खोलने आइए पवित्र आत्मा, आइए आइए पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा को इस समय आपके दिल में आमंत्रित करें, आपके मन में आमंत्रित कहें, कहें पवित्र आत्मा आइए, आइए पवित्र आत्मा, अपने हृदय को खोल दो पवित्र आत्मा के लिए। सारे बंधन पवित्र आत्मा इस समय खोलेंगे, आपको अभिषेक देंगे, आपको नया बनाएंगे, बस उसके लिए आप पवित्र आत्मा को आमंत्रित करें, कहना आइए पवित्र आत्मा, वेलकम होली स्पिरिट, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, आइए इस प्रार्थना सभा में आइए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करते जाइए मेरे भाई मेरी बहन। पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। स्वर्गदूत गैब्रियल ने मां मरियम से कहा, सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, उस पवित्र आत्मा की छाया आपके ऊपर इस समय पड़ने दीजिए। पवित्र आत्मा को इस समय मंडराने दीजिए आपके ऊपर। आप जहां कहीं भी बैठे हो इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करना, ये महसूस करना कि पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का आत्मा, पिता का आत्मा मेरे पास है, मेरे साथ है। वो पवित्र आत्मा आपके हृदय और मन को शांत कर रहा है। प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, मेरे दर्द को मिटाइए, मेरे शोक को आनंद में बदल दीजिए, मुझ पर प्रकाश उंडेल दीजिए। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद ही पवित्र आत्मा, धन्यवाद ही पवित्र आत्मा, धन्यवाद ही पवित्र आत्मा, धन्यवाद ही पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। अपनी आंखें खुलें। सबको जय सु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सभा के लिए, इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद देता हूं दिल्ली करिश्माई दल के लिए, जो बड़े प्यार से हर वर्ष इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रभु उनको आशीष दें, उनके परिवारों को आशीष दें। इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा हम पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता को और बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा सारे संसार में क्रियाशील है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, लेकिन हम विश्वासियों को पवित्र आत्मा की उस आग को और फैलाने की जरूरत है, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 49 में कहा है, मैं आग लेकर इस संसार में आया हूं और मैं कितना चाहता हूं कि वो आग फैल जाए, धधक उठे। जब मैं आग के बारे में बताता हूं, मैं जानता हूं कि आप अचानक दिल्ली के उन सैकड़ों जलती चिताओं की आग को याद करते हैं, विनाश की आग। कौन भूल सकता है उन दर्जनों या सैकड़ों जलती चिताओं की आग? लेकिन पवित्र आत्मा की आग विनाश की आग नहीं है, विकास की आग है, प्रेम की आग है, ईश्वरीय पवित्रता की आग है, ईश्वरीय सामर्थ्य की आग है। और हम विश्वासियों को उस आग की लपटों को और ज्यादा फैलाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है। धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए, प्रभु आप सबको आशीष दे। और इस वर्ष के पेंतकोस में बहुत बड़ा महत्व है। महत्व यह है कि इस वर्ष की हमारी परिस्थिति बहुत दयनीय और डरावनी है। मैं सोचता हूं कि हम सभी इस सदी के सबसे दर्दनाक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आप में से कितने ही लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया होगा, कितने लोगों की नौकरियां और काम छूट गया होगा, कितने लोग कोविड से लड़ लड़ के किसी तरह से जिंदा हुए हैं। तो हम एक कठिन और संकटमय परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसे परिवेश में हमें, मैं सोचता हूं कि मां मरियम जैसे लोगों की ओर देखने की आवश्यकता है। माता मरियम का एकमात्र बेटा क्रूस पर एक अपराधी के रूप में तड़प तड़प कर मर रहा है, और वो मां उसको देखती है, झेलती है, सहती है। कैसे सह पाई? उसके विश्वास ने ताकत दी, उसके अंदर निहित पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दिया। हमें अय्यूब की ओर देखने की जरूरत है। अय्यूब की सारी संपत्ति गई, सारे बच्चे दबकर मर गए, तब भी अय्यूब ने क्या कहा? ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, मैं जानता हूं कि आप
कई प्रकार की विपत्तियों दुखों से गुजरे हैं, सब कुछ को प्रभु को समर्पित करना, हृदय से समर्पित करना। एक विश्वासी कुछ समझता नहीं है, समझ नहीं पाता है, लेकिन उसका विश्वास उसे समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए समर्पित कीजिए, प्रभु के हाथ में समर्पित करके विश्वास में स्थिर रहिए, शांत रहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पेंतेकोस्त त्योहार मना रहे हैं। वास्तव में पेंतेकोस्त त्योहार यहूदियों के 7 मुख्य त्योहारों में एक था, और नई फसल का त्योहार। ये त्योहार मनाने के लिए हजारों की संख्या में यहूदी चारों ओर से यरूशलेम मंदिर में आए थे। आप जानते हैं यहूदियों का एक ही मंदिर था और वो यरूशलेम में था, बाकी सब सभागृह थे, लेकिन एक ही मंदिर था और त्योहार के दौरान वे उस मंदिर में आया करते थे। तो एक तरफ नई फसल का त्योहार मनाने के लिए यहूदी लोग यरूशलेम मंदिर में हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे, दूसरी तरफ एक बंद कमरे में प्रभु येसु के शिष्य प्रार्थना में लीन थे। प्रेरित चरित्र की अध्याय 1 उसके वाक्य 4 और 5 में पढ़ते हैं, प्रभु येसु ने अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए तैयार किया, उनसे कहा कि प्रतीक्षा करो। और प्रेरित चरित्र की अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि शिष्यों ने माता मरियम और अन्य पवित्र नारियों के संग प्रार्थना में लीन होकर पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा की। प्रेरित चरित्र की अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। सबसे पहले उनको आंधी जैसी आवाज सुनाई दी, आंधी जैसी आवाज सुनाई दी, और वो आवाज उस कमरे के अंदर गूंज उठी। उसके बाद आग के जीवों के रूप में उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए, वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदानों के अनुसार प्रभु की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर यरूशलेम मंदिर में इकट्ठी हुई जनता उनके पास आई। उन्होंने सोचा कि ये मदिरा पी रखे हैं, लेकिन पेंतेकोस्त के उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को ग्रहण कर पेत्रुस हजारों के सामने खड़ा हो जाता है और सुसमाचार की घोषणा करता है। सामर्थ्य के साथ सुसमाचार की घोषणा करता है, लोगों से कहता है कि आपने उनको विधर्मियों के हाथों पकड़वा दिया, मरवा डाला है। उन्होंने पूछा, भाइयों में क्या करना चाहिए? पेत्रुस ने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, पश्चाताप कीजिए, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, बपतिस्मा ग्रहण कीजिए। उसी क्षण उन्हीं पलों में 3,000 लोगों ने प्रभु येसु पर विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। ये पेंतेकोस्त का अनुभव था, और आज भी कलीसिया को इस पेंतेकोस्त के अनुभव की आवश्यकता है। जानते हैं, उस समय से कलीसिया यानी प्रेरित और अन्य शिष्य पवित्र आत्मा के हाथों में आ गए। वे पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए गए, जिस तरह प्रभु येसु पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए गए थे। वचन में हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 3 में, पवित्र आत्मा येसु को निर्जन प्रदेश ले गया, इत्यादि इत्यादि। पवित्र आत्मा के द्वारा वे संचालित थे। उसी तरह पेंतेकोस्त के दिन से लेकर शिष्य कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित थी। कलीसिया में पवित्र आत्मा के फल देखने को मिला, प्रेम, शांति, एकता, दयालुता इत्यादि। उनके सामुदायिक जीवन को देखकर अन्य लोग आश्चर्यचकित होते थे। कलीसिया में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का प्रकटीकरण हुआ, करिश्माई दान प्रकट हो गए, बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह शिष्यों के द्वारा किए जाने लगे। जनता ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई। कलीसिया का विरोध किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उस समय भी वे आनंदित थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 देखिए कैसे पौलुस और सीलस आनंदित हैं, घायल हैं तब भी आनंदित हैं। ये देखकर सारी दुनिया अवाक रह गई, आश्चर्यचकित हो गई, वे पवित्र आत्मा से संचालित हुए। वास्तव में पेंतेकोस्त का ये अनुभव था, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाना, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने के लिए पूरी तरह से पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित किया जाना,
और प्रारंभिक कलीसिया ऐसी थी। चौथी सदी तक प्रारंभिक कलीसिया ऐसी थी, पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया, पवित्र आत्मा से संचालित कलीसिया, पवित्र आत्मा के फलों से भरपूर कलीसिया, पवित्र आत्मा के करिश्माई दानों के द्वारा चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाली कलीसिया। हम अपनी ओर आ जाएंगे। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 18 में प्रभु येसु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये समझने के लिए हमें जानना है कि प्रभु येसु ये सारी बातें कब बोले। प्रभु येसु अंतिम ब्यालु के समय ये बातें बोले। प्रभु येसु अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किए। अंतिम भोजन के दौरान प्रभु ने रोटी उठा ली, कहा ये मेरा शरीर है खा लो। दाखरस भरा कटोरा उठा लिया और दिया और कहा ये मेरा रक्त है इसे पी लो। उसके बाद प्रभु येसु ने उठकर उनके पैरों को धोया। प्रभु येसु कई बातें बोलने लगे, विश्वासघात के बारे में बोलने लगे, दुखभोग के बारे में बोलने लगे। सारे शिष्य घबरा गए, दुखी हो गए, उदास हो गए, कंफ्यूजन हो गया, भ्रम आ गया, ये क्या बोल रहे हैं। वे उदास हो गए। ऐसे परिवेश में, ऐसी परिस्थिति में प्रभु येसु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 16 प्रभु येसु ने कहा, मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, इसको अपने हृदय में गहराई से उतारना, इसको अपने हृदय में गहराई से उतारना। प्रभु येसु ने कहा, मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पहला सहायक कौन है? प्रभु येसु। दूसरा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। प्रभु येसु ने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा जिससे वो एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक के रूप में दिया गया है। ए क्रिश्चियन इज नेवर अलोन। एक मसीही, एक विश्वासी कभी अकेला नहीं हो सकता है। येसु पर विश्वास करने के कारण पिता ईश्वर ने उसको पवित्र आत्मा दिया है। बपतिस्मा ग्रहण करने के कारण प्रभु ईश्वर ने उसको पवित्र आत्मा दिया है। एक विश्वासी कभी अकेला नहीं हो सकता है। ई कैन नॉट बी अलोन। इस सत्य को जानना, पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा आत्मा है। पवित्र आत्मा को हम देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 30 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा को दुखी नहीं बनाना। जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अंगीकार नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का स्वीकार नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को दुखी बनाते हैं। एक बहुत बड़े प्रवाचक हैं, बेनिहिन, आपने सुना होगा। उनकी प्रारंभिक कुछ किताबें, मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। एक किताब थी वेलकम होली स्पिरिट, दूसरी किताब थी गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। उन्होंने अपने किताबों में अपने जीवन में पवित्र आत्मा के साथ रहते हुए उनके अनुभव के बारे में बताया है। वे कहते हैं, कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे बगल में, उसकी सिसकियां सुनाई देती हैं, उसकी आवाज सुनाई देती है। पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ वर्षों से मैं पवित्र आत्मा के अधीन काम करने का प्रयास कर रहा हूं, प्रयास ही कर रहा हूं, और मैं बता नहीं सकता हूं कि कैसे पवित्र आत्मा कहां से कहां पहुंचा देता है, क्या से क्या नहीं करा देता है। पवित्र आत्मा आपको प्रेरणा देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सच्चाई बता रहा हूं। आज के इस प्रवचन को तैयार करने से पहले एक दूसरा टॉपिक मुझे दिया गया था। मैं तैयार होकर रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था, आने से आधा घंटा पहले पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, ये प्रवचन तुम नहीं दोगे। पवित्र आत्मा ने कहा, ये लिख लो। मैंने बदल दिया। मैंने ऑर्गेनाइजर्स को तुरंत फोन किया,
कहा कि मैं टॉपिक बदल रहा हूं, आपको कोई तकलीफ? उन्होंने कहा नहीं पवित्र आत्मा जैसे प्रेरित करे आप कीजिए। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, कैसे पवित्र आत्मा के अधीन होने से पवित्र आत्मा आपको बचाता है, आपको सांत्वना देता है, आपको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी पिछले साल के लॉकडाउन के बाद हमारा आश्रम खुल गया था, जब चालीसा शुरू हुआ राख बुधवार से भीड़ की भीड़ आने लगी, हर शुक्रवार को कम से कम 5-10 हजार लोग आते थे क्रूस की यात्रा और वचन सुनने के लिए। अंतिम सप्ताह में पहुंच गए, गुड फ्राइडे आज का दिन है, गुड फ्राइडे से पहले यानी बृहस्पतिवार रात को हमारे यहाँ 144 घोषित किया गया। हम लोगों को नहीं मालूम था क्योंकि हम लोग रात को आराधना में थे। अगले दिन सुबह 8 बजे मुझे खबर मिलती है कि 144 लगा हुआ है, सारी तैयारियां हो गई हैं, हजारों की संख्या में लोग आने वाले थे, घर छोड़ दिए थे बहुत सारे लोग, पैशन प्ले की तैयारी हो चुकी है, सभी लोग आ जाते, सारी तैयारियां हो गई हैं, तंबू सब लग गया है। और आधे घंटे के अंदर प्रार्थना में प्रभु ने कहा कैंसल इट, कैंसल इट, कैंसल इट, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तुरंत मैंने खबर दी अपने पुरोहित भाइयों को, गेट बंद करा दीजिए, ताला लगवा दीजिए दोनों तरफ से, बोलना बाहर कुछ चिपका देना, कहना कि 144 है, कार्यक्रम नहीं होगा। हजारों की संख्या में लोग गेट पर आए, रो रो कर वापस चले गए, कार्यक्रम नहीं हुआ। अगर उस दिन पवित्र आत्मा की उस आवाज को मैंने सुना नहीं होता, आज मैं आपके सामने नहीं होता। पवित्र आत्मा हमें एक सहायक के रूप में दिया गया है। प्रभु यीशु ने कहा वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, पवित्र आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे जीवन के उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे जीवन की विफलता में सफलता में तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे जीवन की हर प्रकार के अनुभव के समय वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे सोते समय, जागते समय, काम करते समय, सफर करते समय, हर समय तुम्हारे साथ रहने के लिए एक सहायक दिया गया है। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक महान सहायक के रूप में दिया गया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14:26 में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु वो सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा सिर्फ पवित्र और आध्यात्मिक बातें समझाने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। एक विश्वासी को, एक मसीही को यह जानना जरूरी है। हम लोग अपने जीवन में कुछ बातें अपनी, कुछ बातें प्रभु की, कुछ बातें सांसारिक, कुछ बातें आध्यात्मिक कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, एक ही व्यक्ति है, आप एक व्यक्ति हैं, आप अपने को तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते हैं। एक आध्यात्मिक एक सांसारिक नहीं होता है, आप एक हैं। हर काम में पवित्र आत्मा हमें समझाएगा, नौकरी के बारे में, काम के बारे में, शादी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, हर बात के बारे में पवित्र आत्मा हमें समझाएगा, प्रभु यीशु कहते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें सब कुछ समझाने वाला है। वास्तव में पवित्र आत्मा ही ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सारे वरदानों में सबसे महान वरदान है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। लूकस अध्याय 11:13 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यानी प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सारे वरदानों में सबसे महान वरदान यीशु के द्वारा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में जीवन लाता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 26-27 को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। रोमियों का पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 26-27 को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। संत पौलुस कहते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, हम ये नहीं जानते
कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। जब हम दुर्बल हैं, हम टूटे हुए हैं, हम निराश हैं, हम उदास हैं, हमारा जीवन रसहीन है, ऐसी परिस्थितियों में संत पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। संत पौलुस को सुनिए, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में संत पौलुस अपने बारे में कहते हैं। पौलुस की कोई खास पीड़ा थी, क्या पीड़ा है हम नहीं जानते, कोई खास दुर्बलता, कोई खास पीड़ा थी, और पौलुस उसके बारे में कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके वाक्य 8 से पौलुस कहते हैं, मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पौलुस कहते हैं कि मेरे जीवन में एक पीड़ा थी, एक दुख था, एक कमजोरी थी, एक कांटा था, और मैंने प्रभु से 3 बार कहा। मैं सोचता हूं 3 बार नहीं, कई बार कहा होगा, कई बार मैंने कहा प्रभु से हटाइए इसे, हटाइए। प्रभु ने क्या कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। प्रभु ने कहा तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। अरे प्रिय भाई और बहनों, एक शक्तिशाली वचन है। प्रभु कहते हैं मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हारी दुर्बलता में, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तंगी में, तुम्हारी निराशा में, तुम्हारी पीड़ाओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करेगा। आपने सुना लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हम सभी मसीहियों को पवित्र आत्मा के साथ जीना सीखना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करना है। द होली स्पिरिट इज विद यू। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम में है और तुम्हारे साथ है। पवित्र आत्मा तुम में है और तुम्हारे साथ है। संत यौहन अपने पहले पत्र के अध्याय 4 वाक्य 4 में कहते हैं कि वह तुम में है, जो तुम में है वो उससे महान जो संसार में है। तो पवित्र आत्मा, विश्वासी भाई और बहनों कान खोलकर सुनना, पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास करता है। इस सच्चाई को स्वीकार करो, जानो। जब आप जानेंगे पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परिवार की परिस्थिति बिगड़ जाए, आप कई लोगों को खो दें, उन सारे परिस्थितियों में भी आप जानेंगे आप अकेले नहीं हैं। यीशु का आत्मा, पिता का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके साथ है। अब उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना सीखना है, उसके इशारे को देखना समझना है। जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अंगीकार करेंगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर क्रियाशील होने लगेगा, तब आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल देखेंगे, जिसके बारे में गलातिया अध्याय 5 उसके वाक्य 22 से लिखा हुआ है, प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे प्रभु का प्रेम नजर आता है, प्रभु की शांति नजर आती है,
सारी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, डरावनी हो, खतरनाक हो, निराशाजनक हो, तब भी आपके अंदर शांति बनी रहेगी। ये तभी संभव है जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अंगीकार करेंगे और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना सीखेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में प्रभु यीशु ने कहा, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ तब तक तुम शहर में बने रहो। ये ऊपर की शक्ति क्या है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की शक्ति। प्रेरित चरित्र अध्याय 1:8 प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। ऊपर की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति, हमारी अन्य शक्तियां शिथिल हो जाती हैं, टूट जाती हैं। हमने देखा है ना, हमने देखा सारी दुनिया ने एक कोरोना वायरस के सामने अपने हाथ खड़ा कर दिया। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। आज भी हम सिम्टम को इलाज कर रहे हैं, कोरोना वायरस को नहीं मार रहे हैं। कहां गई हमारी शक्तियां? परिवार में विपत्तियां आ जाती हैं, दुख मुसीबतें आ जाती हैं, हमारी शक्तियां टूट जाती हैं। जब एकमात्र बेटा मर जाता है सारा धैर्य टूट जाता है। परिवार में जब सभी लोग बीमार पड़ने लगते हैं सारा सामर्थ्य टूट जाता है। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें ऊपर की शक्ति से संपन्न होना है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कहीं कहीं है Until you are clothed with the power from above, यानी पवित्र आत्मा की शक्ति रूपी वस्त्र धारण करने तक तुम शहर में बने रहो, बाहर नहीं जाना। अगर तुम इस वस्त्र के बिना बाहर जाओगे तुम चोट खा जाओगे। आजकल हमारे जमाने में बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोग, वीवीआईपी लोग बुलेट प्रूफ वस्त्र धारण करते हैं, यानी जिसके अंदर गोली नहीं जा सकती है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से यही कहा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य रूपी उस बुलेट प्रूफ वस्त्र पहन के ही संसार में जाना, वरना चोट खा जाओगे। वचन में हम जानते हैं पेत्रुस, पहला पेत्रुस अध्याय 5:8 पेत्रुस कहते हैं कि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाए। पवित्र आत्मा रूपी उस वस्त्र को धारण करना जरूरी है, वरना हम चोट खा जाएंगे। परिवार में विपत्ति और परेशानी आने के बाद हम लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारा सारा विश्वास चकनाचूर हो जाता है। क्यों? पवित्र आत्मा रूपी वह वस्त्र हमने पहना नहीं है। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ की अध्याय 14 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है, सैमसन का उदाहरण। सैमसन का उदाहरण मिलता है, सैमसन जवान था। उसके वाक्य 5-6 तक आप पढ़ेंगे कि सैमसन अपने माँ बाप के साथ तिम्ना नामक एक जगह गया हुआ था और वहां पर एक दाखबारी में चल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक सिंह का बच्चा गरजता हुआ उसकी ओर आ रहा है। वचन में लिखा हुआ है कि सैमसन के हाथ में कुछ नहीं था अपने आप को बचाने के लिए, और उस समय वो पवित्र आत्मा से भर जाता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है और वह उस सिंह के बच्चे को एक बकरी के बच्चे की तरह चीर फाड़ देता है। सामर्थ्य आ जाता है। एक बहुत जबरदस्त प्रतीक है मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे जीवन में इसी तरह के बहुत सारे सिंह शावक आ जाएंगे, इस तरह के बहुत सारे सिंह के बच्चे आ जाएंगे। एक के बाद एक विपत्ति, परेशानियां, महामारियां,
प्रलोभन, उन सारे क्षणों में उनका सामना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत होती है, ऊपर की शक्ति की जरूरत होती है बीमारी का सामना करने के लिए, दुष्ट के हर प्रकार के बाण का सामना करने के लिए। एफिसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि हमें अंधकार में संसार के अधिकारियों, अधिशासियों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है। हमारा प्रतिदिन का जीवन एक लड़ाई है, इस सत्य को जानना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम क्यों टूट जाते हैं, हम क्यों निराश हो जाते हैं, हम क्यों उदास हो जाते हैं, हम क्यों मरना चाहते हैं, अपने आप को मारना चाहते हैं, क्योंकि हम हार गए हैं। हम क्यों हार जाते हैं, क्योंकि हमें वो सामर्थ्य प्राप्त नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में हमें इस सच्चाई को जानना है और प्रभु से उस सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु ने इससे कहना है कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। आपको सैमुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है। वहां पर एक सुंदर दृश्य है, आप सभी जानते हैं उस दृश्य को। फिलिस्ती सेना और इसराइली सेना आमने सामने है। फिलिस्ती सेना में से एक योद्धा जिसका नाम गोलियत है, जाकर सबके सामने कहता है लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम में से कोई आकर मेरे साथ द्वंद युद्ध करो, मैं हार गया तो लड़ाई हार गए हम। लेकिन इसराइली जनता में से एक भी मैका लाल नहीं निकले, एक भी सामर्थ्यवान नहीं निकला कि वो जाके उससे लड़े। 40 दिन बीत गए, इसराइली जनता ईश्वर की चुनी हुई प्रजा की सेना, इसराइली सेना ईश्वर की चुनी हुई जनता की सेना स्तब्ध रह गई, डर गई। लेकिन हम जानते हैं दाऊद के बारे में, पहला सैमुएल अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे कि दाऊद को सैमुएल ने अभिषेक दिया तो पवित्र आत्मा उस पर उतर आया, और उस पवित्र आत्मा उसके उतर अंदर उतर आने के बाद पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ दाऊद जाता है एक चिकने पत्थर के सहारे उस गोलियत को मार गिराता है। एक जबरदस्त उदाहरण है, प्रतीक है, हम विश्वासियों के लिए, मसीहियों के लिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर है तो एक चिकना पत्थर भी मेरे लिए दुश्मन को मार गिराने के लिए माध्यम बन सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की संगति के लिए प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के लिए प्रार्थना करना। आजकल हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं हम सभी जानते हैं, कितनी तोड़ने वाली परिस्थितियां हैं। इन सारी परिस्थितियों में खड़े होने के लिए हमें चाहिए पवित्र आत्मा का अभिषेक। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 11 और 12 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के क्या बताते हैं, जब ये तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों और शासकों के सामने खींच ले जाएंगे तो ये चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और अपनी ओर से क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा विरोध होगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा, तुम खींच के ले जाए जाओगे। उन क्षणों में अपने बारे में नहीं सोचना है कि मैं क्या कहूंगा करूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। जीवन की कठिन परिस्थितियों में जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है, उन सारे क्षणों में पवित्र आत्मा हमें विरोधियों का सामना करने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए, विपत्तियों का सामना करने के लिए सिखाता है और सामर्थ्य देता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा मांगना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों को आदत नहीं है, आज से पवित्र आत्मा से प्यार कीजिए, पवित्र आत्मा से प्यार कीजिए। पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा पिता का आत्मा है, पवित्र आत्मा का ये युग है, पवित्र आत्मा ही यीशु के उपस्थिति हमें देता है, यीशु की शिक्षाओं का हमें याद दिलाता है। उस पवित्र आत्मा को महसूस करना, उस पवित्र आत्मा को महसूस करना, उसको मांगना,
प्रभु ने कहा बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा मांगिए, मांगना प्रभु मुझे तेरा अभिषेक दीजिए, ये पवित्र आत्मा आइए मेरे अंदर क्रियाशील हो जाइए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। इस वर्ष का पेंतेकोस्त त्यौहार हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। 2000 वर्ष पहले जिस तरह प्रभु के आदेश के अनुसार शिष्य पवित्र आत्मा के आगमन के लिए अपने आप को तैयार किए, उसी तरह हम भी पवित्र आत्मा के लिए अपने दरवाजे को खोलें, अपने हृदयों को खोलें, अपने परिवारों को खोलें, पवित्र आत्मा से कहें पवित्र आत्मा आइए मेरे अंदर क्रियाशील हो जाइए। आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को खोलिए इस समय, अपने हृदय में पवित्र आत्मा के प्रति एक विशेष लगाव उत्पन्न कीजिए। मेरे जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया है एक सहायक के रूप में, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए, मेरी दुर्बलता में मुझे सहारा देने के लिए, कठिन परिस्थितियों में उन परिस्थितियों को सामना करने के लिए सामर्थ्य देने के लिए। जब मैं नहीं जानता हूं कि क्या बोलना है, मुझे बोलना सिखाने के लिए, मेरे मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए, मेरी निराशा को आशा में बदलने के लिए, मेरे दुख को आनंद में बदलने के लिए, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए, हर पल मुझे प्रेरणा देने के लिए, मुझे उत्साह से भरने के लिए वो सांत्वना दाता मुझे दिया गया है। हे सांत्वना दाता पवित्र आत्मा, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है, आज मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि मेरे अंदर सांत्वना की कमी है। मैं उदास हूं, दुखी हूं, परेशान हूं, पीड़ित हूं। पवित्र आत्मा इस पेंतेकोस्त के त्योहार के दौरान हे पवित्र आत्मा मुझे अपनी सांत्वना से भर दीजिए। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएगा, मेरे दुख मेरे शोक को आनंद में बदल दीजिए। पवित्र आत्मा अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में क्रियाशील हो जाइए, मेरे बंधनों को खोलने के लिए, बुरी आदतों से मुझे छुटकारा देने के लिए, हर तरह की निराशामय बातों से मुझे छुटकारा देने के लिए, मेरी नकारात्मकता से मुझे छुटकारा देने के लिए, मुझ में आशा भरने के लिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए, मेरे हृदय को उत्साह से भरने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हे पवित्र आत्मा मैं तुझे अंगीकार करता हूं, आज मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरी उपस्थिति को स्वीकार करता हूं, तेरी वाणी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मैं रीता जोली टोपो आप लोगों के बीच में अपनी गवाही देने आई हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि ईश्वर ने मेरे साथ मेरा कैसा हाथ थामा और उसने मुझे लाल समुंदर से मुझे और मेरे परिवार को पूरा निकाला। अप्रैल 15 में 2021 मेरे हस्बैंड बीमार पड़ना स्टार्ट हुए और उनका नेगेटिव रिपोर्ट था, तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, परंतु धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे। 15 से लेकर 24 मई में बहुत कठिन का समय था। 17 तारीख मेरा टेस्ट हुआ, 18 को मैं पॉजिटिव हुई। मेरे बच्चों का टेस्ट 20 तारीख को, वो सारे हम पूरे पॉजिटिव हो गए, जिसमें मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार पड़े। एक समय लगता था कि हॉस्पिटल एडमिट कर दूं। मैं निरंतर डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहती थी और मेरे फादर अजित बिशप हाउस, वो मुझे बोलते थे कि होली फैमिली में एडमिट कर दूं।
परंतु मेरे भाई बहन यही कहते थे कि नहीं, अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो एडमिट मत करो, घर में ही रखो। परंतु एक हर वक्त ये दिल यही कहता था कि मैं हॉस्पिटल ले जाऊं या घर में रखूं। परंतु मैं ईश्वर पर विश्वास करती थी। कंडीशन दिन बाय दिन बिगड़ते जा रहा था, कोई मेडिसिन काम नहीं आ रहे थे। इस बीच मैं हर वक्त मैं जीवन ज्योति आश्रम सिस्टर्स को फोन करती, एडोरेशन में मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट करती। मैं सिरिल जॉन ब्रदर जो खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे उनको मैं मैसेज करती, उनसे बात करती कि मेरे हस्बैंड के प्रार्थना कर दीजिए। मैं सेंट फ्रांसिस सिस्टर्स द्वारका एडोरेशन में रहते थे उनसे मैं प्रार्थना करवाती, एडोरेशन में वो मुझे फोन भी करते। फादर अनिल देव से मैं कंसल्टेशन में रहती थी और मैं फादर मार्टिन को भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट करती थी, जो मैं जितने प्रेयर वॉरियर्स और इंटरसेसर्स ग्रुप में सब में मैं रिक्वेस्ट करती। मैं भी पॉजिटिव थी, परंतु पॉजिटिव तो सोचो कि मुझे कोई सिम्टम्स ही नहीं था। ईश्वर ने मुझे पॉजिटिव किया मेरे परिवार के लिए उन दिनों, ताकि मुझे छुट्टी मिल सके, अपने परिवार का सेवा कर सकूं। इस बीच मेरा बेटा भी, जो मेरे अपने पापा के लिए बहुत चिंतित थे, वो भी उसके संपर्क में आके उसके सिम्टम्स और इंक्रीज हो गए। 10 दिन 11 दिन तक उसका फीवर 102 रहा। मेरा हस्बैंड का फीवर कंटिन्यूस 4 घंटा भी मेडिसिन पूरा नहीं होता था और उसके फीवर 102 से ऊपर चला जाता था। पूरा दिन बॉडी पेन, कुरहाना और पूरा दिन भर चिल्लाना कि मुझे ईश्वर आप मैं तेरे हाथ में मैं अपने आपको समर्पित करता हूं, तो मुझे ले जाओ और मेरे से टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा। सारे समय हम अलग अलग रूम में थे। मैं सब समय बच्चों का मैं देखती थी, मैं हस्बैंड को देखती थी, उनको मेडिसिन देना। उनको सबको निमोनिया भी हो गया था, मेरे हस्बैंड को ज्यादा था, मेरे बेटे को था ज्यादा, मुझे भी था निमोनिया। दिन और रात काम करना, मैं सोती नहीं थी रात भर भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात भर भी मुझे तंग करते थे कि मुझे पानी चाहिए, बदन दर्द दे रहा है, मेरे प्रार्थना कर दो, कुछ करो, पर कोई राहत नहीं था। पर ईश्वर ही मेरे लिए एक राहत था। सिस्टर जॉन्सी इंदुरान जो मुझे बहुत मदद करी एंजल जैसे अपने हस्बैंड, और वो मुझे बीच बीच में खाना बना के देते, मेडिसिन ला के देते, जो भी डॉक्टर एडमिट कर मेडिसिन अपडेट करती, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रात हो, वो मेरे को मेडिसिन मेरे घर में ला के छोड़ते, खराब खाना बना के देते, सब्जियां सारे कुछ मेरे को ला के देते। मैं एनजीओ के हाथ में भी आई कि इनको खाना नहीं बना पाती थी, उनका मैं खाना मेरे को मिलता था, वो खाना मैं हस्बैंड को देती और मैं खाना भी बनाती कुछ, ताकि मैं केवल एनजीओ के हाथ में मैं डिपेंड नहीं कर सकती थी। मुझे ईश्वर में वचन बोलती रहती थी, इस बीच में वचन बोलती रहती थी, जैसे एक्सोडस 14:14, ईश्वर मैं नहीं कुछ बोलूंगी, मैं कुड़कुड़ाऊंगी नहीं, ये तेरा बैटल है, ये तेरी लड़ाई है, तू मेरे लड़ेगा। एक्सोडस 15:26 में ईश्वर कहता है कि मैं देखो कोई भी इजिप्ट की बीमारियों से मैं तुम्हें रोगित नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें हील करूंगा। जरमाया 17:14, हील मी लॉर्ड एंड आई शैल हील यू, सेव मी लॉर्ड एंड आई शैल सेव यू। जरमाया 31:4 कहता है मैं तुम्हें चंगाई करूंगा। 30:17 कहता है मैं तुम्हारे हर एक ऑर्गन्स को रीजनरेट करूंगा। आइज़ 53:5 कहता है मैं तुम्हें अपने घावों से चंगाई प्रदान करूंगा। मैं सारे वचने बोलती रहती थी, पागलों जैसे बोलती थी, मैं काम नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे भी वीकनेस था, परंतु मैं ईश्वर का हाथ थामती थी, बर्तन मांजते हुए भी थामती थी और बोलती थी। आइज़ 41:10-13 में ईश्वर तुमने बोला है तुम मेरे दाहिने हाथ को पकड़ेगा और तुम मुझे सहारा देगा और तुम मेरा असिस्टेंट बनेगा। जब ईश्वर ही मेरा असिस्टेंट बनने को राजी है तो मैं किसके पर क्यों भरोसा करूं, जब मेरा ईश्वर ही मुझे मददगार करने को राजी। धीरे धीरे मेरा सारा, मेरे पास डॉगी भी है, उसको कौन घुमाए, उसको कौन नेचर कॉल के लेके जाए बाहर, पारे शरीर में कोई ताकत नहीं था। परंतु ईश्वर ने 2 लड़के मुझे भेज दिए जो बहुत पहले मेरे घर में काम करते थे गाड़ी साफ करने को, अपने आप ही लॉकडाउन में आ गए। मैंने बोला आप लोग कैसे आ गए? नहीं दीदी, अगर तुम्हें कोई काम करवाना हो तो हम कर दें। मतलब मेरे डॉगी को ले जाओ प्लीज, उसको नेचर कॉल के लिए। वो मेरे बाहर से अंडा, ब्रेड, दूध लेकर के आते, सब्जी लेकर के आते, मेरा बगान साफ कर देते, पानी पटा देते, मेरे बगीचे को सारा स्वस्थ, ईश्वर ने मेरा घर को पूरा साफ सुथरा करा। इस बीच में जॉन्सी ने मुझे, सिस्टर जॉन्सी ने फोन किया और बोला कि तुम्हारे परिवार के लिए आइसोलेशन रखा जा रहा, तुम मत घबराओ, कुछ नहीं होगा रंजीत को। मैंने विश्वास किया और मुझे एक बहुत बड़ी कॉन्सोलेशन वर्ड मिला कि एडोरेशन में तो ईश्वर मेरा जरूर मेरे परिवार को चंगाई देगा।
उस रात 24th रात को मेरा बेटा देख लिया था। मैंने काफी रातों से सोई नहीं थी, उससे पहले मैं फ्लाइंग भी ड्यूटीज में हूँ, मैं फ्लाइंग भी करती थी, तो मैं पहले से थकी हुई थी। मैं 14 तारीख को इतनी थक गई थी, मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया कि बेटा मेरे से नहीं होगा, जो भी ईश्वर को करना है ईश्वर की मर्जी। मेरा बेटा बोला कि मैं आपके बगल में सो जाता हूँ मम्मी, आज मैं पापा को देख दूंगा, मैं जगा ही हूँ 3 बजे तक। मैं कैसे सोई मुझे नहीं मालूम, ईश्वर ने मुझे सुला दिया उस रात और मेरे हस्बैंड को भी सुला दिया। जब मैं सुबह उनसे मिली, वो बोला, मेरे हस्बैंड रंजीत टोपो ने बोला, मैं कैसे सो गया आज रात, और रात में मुझे एक ठंडा हवा आया जो छूके गया और मुझे सारी बदन की दर्द चले गई और मेरा फीवर भी चला गया और ईश्वर ने उससे बात किया। ये मिड ऑफ द नाइट और सुबह होने के बीच में ईश्वर ने उससे बात किया कि तुम अपनी बोरी बिस्तर यहाँ से बांधो, क्योंकि वो ड्राइंग रूम में थे और ड्राइंग रूम हमने ईश्वर को समर्पित किया हुआ है। उसने बोला ये मेरा रूम है, इसको साफ करो और इस रूम को मैं साफ चाहता हूँ सुबह, ये सुबह होते ही तुम्हें ये करना पड़ेगा। उसने वैसे ही करा। मैंने बोला क्या कर रहे हो, तो आप ताकत नहीं है। उसने बोला नहीं, ईश्वर ने मुझे बोला है ये बोरी बिस्तर इस रूम को साफ करें। जो रूम पूरा घर जो अच्छा चल रहा था पूरा एक हॉस्पिटल में बदल गया था, पूरी तरफ गंदगी छा गई थी, हॉस्पिटल का नेबुलाइजर, दवाइयां, थर्मामीटर, थर्मस सब कुछ इधर उधर पड़ा था, सबको हमने धीरे धीरे साफ किया ईश्वर के आदेश के अनुसार। मेरा हस्बैंड 25 तारीख से खाना बनाने लग गए धीरे धीरे, और मेरे बच्चे जो मर्विन को 10 दिन फीवर था, उसको बैकएक बहुत बुरा था, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाता तो उतर नहीं पाता था, परंतु उसको भी ईश्वर ने ठीक किया। 10 दिन में वो लोग ठीक हो गए, 15 तारीख में वो नेगेटिव हुए, 15 दिन में वो नेगेटिव हुए, मैं 15 दिन में नेगेटिव हुई और मेरे हस्बैंड 20 दिन में नेगेटिव हुए। हम सबको ही ठीक है, ईश्वर ने हमें सबको चंगाई दिया। मैं वचन में विश्वास करती हूँ, आप सब लोग वचन बोलो, वचन ही सब कुछ कर सकता है। आइज़ाया 65:23-24 में कहता है ईश्वर कि जब तुम प्रार्थना भी पूरा नहीं करोगे मैं तुम्हारी सुन लूंगा। जॉन 14:14 में ईश्वर कहता है कि जो तुम विश्वास से मेरे से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। जॉन 14:15 में कहता है मैं तुम्हें सहायक दूंगा, माय काउंसलर द होली स्पिरिट हु शैल रिमेन विद यू, वो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। वो आइज़ाया 43 में कहता है अगर तुम आग में भी चलोगे तुम नहीं जलोगी, अगर तुम पानी में भी रहोगी तुम नहीं डूबोगी, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने वाला ईश्वर। आइज़ाया 49:1 में कहता है जब तुम अपनी माँ की कोख में बन रही तब से मेरी निगरानी तुम्हारे ऊपर है। 49:16 में कहता है आइज़ाया कि मेरे तुम्हारा नाम मेरे हाथों में अंकित है, तो जब मैं उठाता हूँ तेरा नाम मेरे सामने चमकता है। वो ईश्वर जूडा का हीलिंग परमेश्वर है, उसकी आंख सूरज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी आंख मेरे पर निरंतर रहती है तो मुझे कुछ नहीं होगा। आइज़ाया साम 43 में ईश्वर कहता है 23 में कि मैं अगर डेथ की मौत में भी रहूंगी पर तो अगर ईश्वर मेरे बगल में है मुझे कुछ नहीं होगा, उसका रॉड और स्टाफ मेरे काफी है। हाँ मैं ईश्वर विश्वास करती, मैंने उसे चख लिया है। ईश्वर ने टॉबिट जैसे चैप्टर में रफाइल को भेजा था इंसान बनाकर, उसी प्रकार उसने इतने सारे दूते भेज दी मेरे घर में मेरा सारा काम करने को ले। सारा जॉन्सी को, मिस जॉन्स, सिस्टर जॉन्सी और जॉनसन को भेजा मेडिसिन लेके लाने के लिए और उन पे तरस से भर दिया मेरे परिवार के लिए। उस दिन और रात कभी मेडिसिन, कभी खाना, कभी फूड्स मेरे लाते। मेरे फ्रेंड्स, मेरे कुलीग्स, उन्होंने बहुत मदद किया कि वो क्या बाहर नहीं निकल पाते थे और सब एटीएम कार्ड थ्रू होता था, तो उन्होंने मेरे कैश मेरे घर में गिरा दिया। मेरे को मेरे ये दो वर्कर सब्जियां लेकर के आते, तो ईश्वर ने रफाइल जैसे बहुत सारे एंजल भेज दिए, मुझे अपनी ताकत दी अपने घर का काम करने के लिए। थ्रू हिज ग्रेस ओनली आई कुड डू इट, इट इज बिकॉज हिज माइटी स्ट्रेंथ आई कैन डू ऑल थिंग्स, यस आई कैन डू ऑल थिंग्स टू हिज माइटी स्ट्रेंथ ओनली। मैं वचन बोलती थी, एक मेरे बेटे को मैंने वचन दिया था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। साम 118:17 I shall live not die to proclaim the word of the Lord. मैंने बोला तुम यही वचन बोलते रहो, यही वचन बोलते रहो, क्योंकि इसका निमोनिया भी ज्यादा था। और मैं एक और वचन बोलती थी जो मेरे बहुत फेवरेट है उन दिनों, मैं बोलती थी साम 57:1 मैं ईश्वर की पंखों तले मैं शरण लूंगी जब तक मेरे परिवार का संकट निकल ना जाए। I will take the refuge under the mighty wings of the Lord till the disaster is over of my house. Yes, उसने नोवा जैसे मेरे परिवार को बचाया, उसने डैनियल जैसे
जब वो वेल में था उसने हमें खाना ला के दिया, उसने एनजीओ में ले तैयार किया जो लोग मुझे खाना ला के देते थे। मैं ईश्वर को लाख लाख शुक्र देती कि ईश्वर ने मुझे दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो कहता है 46 Isaiah 46:4 में, आई विल बी देयर विथ यू टिल योर ओल्ड एज ग्रे हेयर, मैं तुम्हें रफ लैंड से लेके स्मूथ लैंड में जाऊंगा। हाँ वाकई में वो कहता है Isaiah 55:11 में, ऑल द वर्ड्स स्पोकन फ्रॉम माय माउथ विल नेवर गो एम्प्टी, वो खाली नहीं जाएंगे, वो तुम्हारे जिंदगी में पूरे होंगे। Jeremiah 23 में कहता है, मेरे वर्ड्स निकलने वाले मौत एक हैमर जैसे हैं, जो कि किसी भी हार्ड रॉक को तोड़ सकते हैं, कोई भी हार्ड बंधन को तोड़ सकते हैं, कोई भी किसी चीज को भी तोड़ सकते हैं। हाँ ईश्वर जीवित है मेरे भाई बहनों, जो वो मेरे लिए कर सकता है वो तुम्हारे लिए भी कर सकता है। वो कहता है आई एम द सेम फॉर एवरीवन, तुम मेरे अंडर शरण लो, समर्पित करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें माफ करूंगा, अपने पापों के लिए रोज क्षमा मांगो, जो भी आपने पाप किया छोटे से लेकर बड़े तक क्षमा मांगूंगा, और ईश्वर पर समर्पित कर दो, वो तुम्हारे को पकड़ लेगा, थाम लेगा, बचा लेगा, तुम अपने बुक ऑफ लाइफ में अपना नाम, आपका नाम अंकित कर देगा। आई रियली थैंक गॉड, आई हैव गिवन यू माय टेस्टिमनी, दिस हैज हैपेंड रिसेंटली विथ माय लाइफ, एंड गॉड हैड स्पोकन टू माय हस्बैंड ऑन 24th नाइट व्हिच ही डिड अकॉर्डिंग टू हिज विल। आई गिव प्रेज एंड थैंक्स टू द लॉर्ड माइटी ऑलमाइटी and to the Jeevan Jyoti Ashram sisters, fathers, intercessors and all the prayer warriors for praying for my family. I give thanks to Johnson & Johnson, Sister Johnson & Johnson to lead the prayer groups for my family every day in and out. Thank you Jesus, thank you my Father, thank you Abba, the Holy Spirit, the controller of the whole world. You are the Alpha and the Omega. Soon you will be coming, Lord. We have to prepare our souls. Let's surrender to Him. Every day do family prayers along with the children. Teach them the word of God. Unko batao. Bachchon ko batao. Wo nahi jante, unko batana padega. Ishwar kya hai? Main dhanyavaad deti hu. Aapne patiently mere testimony ko suna. Thank you. Doreen from Delhi. Yesu. Aap sabko my पेंटिकॉस्ट का त्यौहार का शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू ए हैप्पी फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। मुझे बहुत खुशी है कि इस अवसर पर जब हम लोग बहुत चुनौतियों से गुजर रहे हैं और जीवन ज्योति आश्रम से हम लोग कोई प्रोग्राम बनाने में हमें दिक्कत हो रही थी, फादर अनिल देव एंड टीम, AMS फादर को तो आप जानते ही हैं, और उनके टीम मातृधाम आश्रम से हमारे लिए एक कार्यक्रम किया है और हमें बहुत खुशी है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें उन्होंने इस तरह सहायता किया है, तो आप सब लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है, तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। जैसे आपको मालूम है कि ये जीवन ज्योति आश्रम की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन ज्योति आश्रम दिल्ली के रिश्माई नवीनीकरण का रिट्रीट सेंटर है, तो इस अवसर पर मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि जीवन ज्योति आश्रम के लिए आप प्रार्थना कीजिए। जीवन ज्योति आश्रम जैसे कि अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ बाहर से कोई नहीं आ रहा है, कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे मिशन जारी हैं। स्टूडियो के द्वारा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग अपने प्रोग्राम जारी रखा है। हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, एडिटोरियल टीम काम कर रहे हैं, तो ताकि हम लोग आपको प्रोग्राम पहुँचा सकें, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे लिए, हमारे मिशन के लिए प्रार्थना कीजिए। साथ साथ हमारे इस कार्य के लिए आपकी आर्थिक सहायता जो आप देख सकते हैं आप जरूर दीजिए। हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स हमें हम आपको दे रहे हैं कि जो प्रभु अगर आपको प्रेरणा देता है कि हमें मदद करने का, जरूर आप मदद कीजिए ताकि हम लोग इस लॉकडाउन के समय में भी अपने कार्य को आगे जारी रख सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारा प्रार्थना
हमारे लिए करता है और आर्थिक रूप से हमें सहायता करता है उन व्यक्तियों के लिए, और उनके हर बात के लिए हम लोग, उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारे दो चैपल्स में मध्यस्थ प्रार्थना चल रही है, सिस्टर्स कर रहे हैं, और मिसा में भी हम ऐसे लोगों को याद रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं फिर से एक बार आप सबको हैप्पी फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, आपको प्रभु बहुत आशीष दे, पवित्र आत्मा से भरे और बहुत खुश और संदर्शन देखे आपको प्रभु संचालन करे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय यीशु। अभी तुरंत आराधना है, आराधना में हम पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आनंद पूर्वक अपने सारे दुखों को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभु की आराधना में समय बिताइए। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, गाइए आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा, गाइए आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा, गाइए आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, गाइए महिमा, आराधना स्तुति
एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा बार बार प्रभु की स्तुति करते हुए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति गाते जाइए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति मिलकर गाइए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति गाइए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति स्तुति करते हुए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हमारे बीच उपस्थित प्रभु यीशु की उपस्थिति इस समय एहसास कीजिए अपनी आंखें मंद कीजिए आराधना की गहराई में उतरिए प्रभु यीशु ने कहा ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहता है आत्मा और सच्चाई से आराधना स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी यीशु की आराधना करुणामय प्रभु की आराधना अपने हृदय को प्रभु के लिए समय खोलिए प्रभु ने कहा मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ प्रभु के लिए अपने हृदय को समय खोलना प्रभु के लिए अपने हृदय को समय खोलिए बोलिए प्रभु यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं सारी कलीसिया के साथ मिलकर मैं तेरी आराधना करता हूं मेरे जीवन की हर पीड़ा के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं जीवन की हर व्यथा के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए अपने को शांत कीजिए प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं शांत हो जाइए अपने को शांत कीजिए धन्यवाद यीशु तेरी आराधना तेरी महिमा तेरी आराधना तेरी महिमा हमारे भाई बहन हमारे साथ आराधना का एक छोटा सा गीत गाएंगे हम सभी मिलकर इस समय उस गीत को गाते हुए प्रभु की आराधना में लग जाएंगे
यीशु के चरणों में आराधना करें। उठा के हम आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें, आत्मा से भर के हम आराधना करें, आत्मा से भर के हम आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। गाते जाइए अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास अंधेरे में उनका एक शिष्य निकोदेमुस आए थे और प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, वाक्य 3 में, आपको दोबारा जन्म लेना होगा, आपको दोबारा जन्म लेना होगा। निकोदेमुस समझ नहीं पाए, पूछा कि मैं वृद्धावस्था में हूं, मैं फिर कैसे दोबारा जन्म लूं। प्रभु यीशु ने वाक्य 6 में उनको समझाते हुए कहा, जो देह से उत्पन्न है वो देह है और जो आत्मा से उत्पन्न है वो आत्मा है। प्रभु यीशु उनको बताना चाह रहे थे कि आपको आत्मा में एक नया जन्म लेना है, आत्मा में एक नया जन्म लेना है, एक नया जीवन शुरू करना है। वास्तव में पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों के साथ यही हुआ। हम पेंतेकोस्त का त्योहार मना रहे हैं, पेंतेकोस्त के त्योहार का मर्म ही यह है कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने पेंतेकोस्त के दिन एक नया जन्म पाया, एक नया जीवन पाया। वास्तव में प्रभु यीशु के शिष्यों को प्रभु ने पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा दिया था। आप योहन के सुसमाचार के अध्याय 20 में पढ़ेंगे कि उनकी ओर फूंक कर प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। वो खाली शब्द नहीं था, सच्चाई थी। उन्हें पवित्र आत्मा मिला था, लेकिन पेंतेकोस्त के दिन उस पवित्र आत्मा का एक बड़ा प्रकाशना हुआ, एक बहुत बड़ा प्रकाशना हुआ और पेंतेकोस्त के दिन वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा से अधीन हो गए, पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। यानी उन्होंने पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा में एक नया जन्म पाया, एक नया जीवन पाया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, पवन जिधर चाहता है वहां बहता है, आप नहीं जानते कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। जो आत्मा में जन्मा है उसी तरह होता है। पेंतेकोस्त के दिन के बाद शिष्यों में यही परिवर्तन आया, वे आत्मा में जन्म लिए और पवित्र आत्मा की हवा में बहाए गए। पूरा प्रेरित चरित्र पवित्र आत्मा के इस बहाने और शिष्यों के बहने का चरित्र है, कैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बहाया और वे पवित्र आत्मा में बहते रहे। प्रभु यीशु का जन्म
पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मां मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा आए। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतर आया। वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को निर्जन प्रदेश ले चलता है। रोमी अध्याय 1 में संत पौलुस कहते हैं, उसी आत्मा के सामर्थ्य से ईश्वर ने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिलाया। यानी प्रभु यीशु पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और पवित्र आत्मा से संचालित थे। शिष्य भी पेंतेकोस्त के बाद पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा से संचालित हुए। एक मसीही वो है जो पवित्र आत्मा से भरा है और पवित्र आत्मा से संचालित है। जिस तरह गुब्बारे में आप हवा भर देते हैं, हवा भरने के बाद वो हवा में उड़ाया जाता है, हवा जहां चाहे उसको ले चलता है। उसी तरह एक मसीही को पवित्र आत्मा से भर जाना है और पवित्र आत्मा उससे ले चलता है। इसको हम अभिषेक कहते हैं। वास्तव में पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों को अभिषेक मिला था, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था। मानव इतिहास में सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु की मां मरियम को मिला। और मां मरियम में पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा क्या चमत्कार हुआ हम जानते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 35 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा और सर्वोच्च शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। माता मरियम के जीवन में पवित्र आत्मा के अभिषेक होने से उनका क्या अनुभव था, इस पर हम मनन करेंगे। सबसे पहला अनुभव यह है कि अनादि शब्द आदि शब्द ने मां मरियम के गर्भ में देह धारण किया, ईश्वर मनुष्य बना, शब्द देह बना। मरियम के अंदर शब्द ने देह धारण किया। हमें भी जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, शब्द हम में भी देह धारण करेगा, हम भी शब्द के अनुसार जीवन जीने लगेंगे। हमारे जीवन में शब्द को लोग देखेंगे, ना केवल सुनेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरा अनुभव मां मरियम को जो हुआ वो क्या है, स्वर्गदूत ने कहा जो आपसे उत्पन्न होंगे पवित्र होंगे। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलता है तो हम पवित्र हो जाएंगे। हमसे जो कुछ निकलेगा वो पवित्र होगा। हमारी बातें, हमारी दृष्टि, हमारा मनोभाव, हमारे कार्य, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हमारे अंदर पवित्रता आती है। तीसरी बात, मां मरियम को अभिषेक मिलने के बाद क्या हुआ, अचानक उन्हें अपने कुटुंबनी एलिजबेथ की याद आती है। उन्हें अपने कुटुंबनी एलिजबेथ की याद आती है जो उसकी सेवा की आवश्यकता में थी। जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, हमें दूसरों के दर्द पीड़ा का एहसास होता है। जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है, हमें जरूरतमंदों की याद आती है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसिटिविटी। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दूसरों के बारे में सोचने, उनकी मदद करने के लिए मदद करता है। हम सेंसिटिव हो जाते हैं। अगला, मां मरियम को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला और उस अभिषेक के साथ वो एलिजबेथ से मिलने और उनकी सेवा करने जाती है। उन्होंने दूर से ही एलिजबेथ का अभिवादन किया, वचन में लिखा हुआ है, अभिवादन किया और एलिजबेथ उनके अभिवादन को सुन के पवित्र आत्मा से भर गई। न केवल वह बल्कि उनके गर्भ में जो बच्चा था आनंद के मारे उछल पड़ा। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, हम दूसरों के लिए भी अभिषेक का कारण बनते हैं, हम दूसरों के लिए आनंद का कारण बनते हैं। जब एक अभिषिक्त व्यक्ति से आप बात करते हैं, अभिषिक्त व्यक्ति से मिलते हैं,
आपको भी अभिषेक मिलता है, आपको भी आनंद का एहसास होता है। अगला, मां मरियम को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो वो आनंद से भरपूर हो जाती है, आनंद से भर जाती है। वो कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है तो हम आनंद से भरपूर हो जाते हैं। प्रेरित चरित के अध्याय 13 उसके वाक्य 52 में लिखा हुआ है कि शिष्य पवित्र आत्मा तथा आनंद से भरपूर थे। जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है हम आनंद से भर जाते हैं। कई लोगों के अंदर बराबर शोक बना हुआ रहता है, उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता होती है। अगला, जब मां मरियम पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गई तो वह ईश्वर की स्तुति करने लगी। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। जब हमें भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है हम भी प्रभु का गुणगान करने लगेंगे, स्तुतिगान करने लगेंगे। हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो कमजोरी क्या है, हम मांगते रहते हैं। हमें धन्यवाद देने की आदत नहीं है। धन्यवाद वो व्यक्ति देता है जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है। अभिषेक पाने के बाद हम कम मांगेंगे, ज्यादा धन्यवाद देंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। अभिषेक का तात्पर्य क्या होता है, पवित्र आत्मा मैं बनना। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। I have been captured by Jesus Christ। जो व्यक्ति अभिषेक पाता है पवित्र आत्मा का, वो कहता है पवित्र आत्मा ने मुझे अपने अधिकार में लिया है। देखिए, हम दो प्रकार का जीवन जी सकते हैं, एक है शारीरिक जीवन, दूसरा है आध्यात्मिक या आत्मिक जीवन। जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है, शरीर की आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, शरीर की चिंता करता है, उसका परिणाम मृत्यु है, संत पौलुस कहते हैं रोमी अध्याय 8 में। लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीवन जीता है उसके अंदर जीवन रहता है, उसके अंदर शांति रहती है। हमें भी पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने पर हम आनंदित हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे। मां मरियम की तरह हम भी दूसरों के लिए अभिषेक और आनंद का कारण बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें मंद कीजिए, कुछ देर मौन होकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है, आई नीड योर होली स्पिरिट। मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है पवित्र आत्मा, मेरे परिवार को तेरे अभिषेक की जरूरत है पवित्र आत्मा। मैं महसूस करता हूं मेरे परिवार में खालीपन है, मेरे परिवार में दुख है, मेरे परिवार में शांति की कमी है, मेरे परिवार में झगड़े हैं, असंतुष्टि है, आनंद की कमी है। हे पवित्र आत्मा, मैं महसूस करता हूं हम सबको तेरे अभिषेक की जरूरत है, हमें अभिषेक चाहिए पवित्र आत्मा, हमें अभिषेक चाहिए पवित्र आत्मा, हमें अभिषेक चाहिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे प्रेमी पिता। आंखें मंद रखकर समय मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकालकर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकालकर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकालकर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने, हे
पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने हे पवित्र आत्मा आ। मेरे पीछे दोहराइए हे जीवन के आधार तेरी आराधना हो तेरी जय हो तुझे धन्यवाद हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को खुला रखिए और इस समय आंखें मंद करके मेरे पीछे दोहराएंगे हे प्यारे प्रभु यीशु तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए हे प्रभु हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम आनंद शांति सहनशीलता मिलनसारी दयालुता ईमानदारी सौम्यता और संयम से भर दे जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा के सात वरदान प्रज्ञा बुद्धि सुमति धैर्य ज्ञान भक्ति ईश्वर पर श्रद्धा दे ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके यीशु के अनुयायी बन सके यीशु की तरह कार्य कर सके। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान प्रज्ञा के शब्द ज्ञान के शब्द विश्वास चंगाई चमत्कार भविष्यवाणी आत्माओं की परख अनोखी भाषा भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर जिससे हम तेरे सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ खुला रखिए पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए एक छोटा सा गीत गाएंगे उस गीत को अपनाएंगे उसके साथ मिलकर गाएंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए
लिया लिया अभिषेक 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 आइए पवित्र आत्मा कम होली स्पिरिट कम अपॉन योर पीपल लॉर्ड अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे स्वतंत्र रूप से मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए 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 हालेलुया 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 आइए पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ्य के साथ आइए तेरे प्रेम के साथ आइए हे शक्ति की आत्मा सामर्थ्य की आत्मा प्रेम की आत्मा प्रज्ञा की आत्मा बुद्धि की आत्मा करिश्माई दानों की आत्मा उतर आइए उतर आइए उतर आइए अनॉइंटिंग 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 अभिषेक 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 अनॉइंटिंग 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 अभिषेक 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 माइटी अनॉइंटिंग लॉर्ड माइटी अनॉइंटिंग लॉर्ड माइटी अनॉइंटिंग लॉर्ड हालेलुया 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 पवित्र आत्मा मौन हो जाइए आंखें मंद कीजिए हाथ नीचे कीजिए स्वतंत्र होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठिए पवित्र आत्मा के अभिषेक को स्वीकार कीजिए ग्रहण कीजिए जीवित ईश्वर का आत्मा सामर्थ्यवान ईश्वर का आत्मा उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करना आज इस समय विश्वास करना कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है। आप में से कई लोगों का शरीर बहुत ज्यादा कंप रहा था, कई लोगों की आंखों से आंसू गिर रहे थे, कई लोगों को पश्चाताप का वरदान मिला है। बहुत दिनों से बीमार एक भाई को पूर्ण चंगाई मिली है। एक परिवार जो बहुत दिनों से बहुत ज्यादा दुख पीड़ा में है प्रभु उनके लिए द्वार खोल रहे हैं कोई रास्ता दिखा रहे हैं। अपने पति के लिए बहुत ज्यादा दुखी एक नारी इस समय भी रो रही है, पूरी आराधना के दौरान रो रही थी। बहन प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, स्वीकार कर लो, चिंता मत कर, निराश नहीं होना, यीशु पर भरोसा रखना, पवित्र आत्मा की संगति को ले जाना घर। पाप को छोड़ने के लिए कई लोगों के समय वरदान मिल रहा है, वे पाप को छोड़ नहीं पाते थे, कोई भी प्रकार का पाप क्यों ना हो, अलग अलग प्रकार के पाप में फंसे थे, प्रभु ने उनको आज के दिन स्वतंत्रता दी है। बड़े आनंद के साथ इस समय हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। परम प्रसाद की आशीष भरी
धीरे धीरे किया सृष्टि को पूरा, फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो बिता अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं